मेहनत रखियो और नदियो। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं यमुनोत्री धाम। यह धाम शिव भोले ने यहाँ पर तपस्या की थी और यहाँ पर देश विदेश से यात्री अपने दर्शन करने के लिए आते हैं। यह सबसे पहला धाम है यहाँ पर यात्रा शुरू होती है। अब हम जानते हैं लोगों से, लोग यहाँ इस बारे में क्या श्रद्धा लेकर के आते हैं और उनके विचार जानते हैं। ये मंदिर है, यहाँ पर ऐसी सुविधा बनाई हुई है, गर्म पानी का यहाँ पे चश्मा लगा हुआ है, जो गर्म पानी में स्नान करके माता के दर्शन करते हैं और बहुत ही आनंद महसूस करते हैं। देख ले। अहमदाबाद क्या लेने आयो? भैया दर्शन करने, माता के दर्शन करने आयो? पैदल आयो? हाँ पैदल। क्या नाम आपका? क्या नाम है? रेवा भाई। अच्छा, वापस की यात्रियों की अपार भीड़ है। भारी श्रद्धा के साथ लोग पालकी में खच्चरों पर सवारी लेकर के आ रहे हैं। इसके लिए आप लोग इतना दूर हैं। यहाँ से यमुना जी की गर्म धारा निकलती है। यमुना जी की दो धारा, एक ठंडी धारा एक गर्म धारा है। जो ठंडी धारा है उसका किसी को पता नहीं कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे बैठ के जय मुनि जी ने तपस्या की और यमुना जी को गर्म धारा के रूप में प्रकट किया है। यमुना जी सूर्य भगवान की पुत्री और यमराज और शनि महाराज जी की बहन है। यमुना जी के तीन नाम है, यमुना, जमुना और कालिंदी। यमुना इसलिए कहते हैं, यमराज जी की बहन है, जमुना इसलिए कहते हैं, यहाँ पे बैठ के जय मुनि जी ने तपस्या किया और उनको स्थान दिलाया। जय मुनि जी के नाम पे जमुना, और कहा जाता है कि जो ठंडी धारा है यमुना जी की वो जामुन के पेड़ के नीचे से निकलती है, तो यमुना जी को जमुना कहा जाता है। तीसरा नाम है कालिंदी। यमुना जी कालिंदगिरी पर्वत से निकलती है वो कालिंदी कहते हैं। जैसे आप लोग अपनी पुत्रियों को दहेज के रूप में, दान के रूप में कुछ देते हो, सूर्य भगवान ने अपनी पुत्री यमुना जी को एक किरण का वरदान दिया है। ये सूर्य कुंड के नाम से है। इसमें आप लोगों का चावल बनेगा और घर के लिए प्रसाद जाएगा। और कहा जाता है, तत्र दिव्य शिला नाम चलो धर्म विनाय पूजा करवंती मानव। यमुना जी ने यहाँ पे बैठ के अपने भाई यमराज जी की तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि भैया जो लोग मेरी यात्रा को आएंगे उन्हें यमत्रास्त्र मत देना, सूर्य लोक की प्राप्ति देना। तो यमराज जी ने कहा कि तुम्हारी यात्रा को तो सारा संसार आएगा, मेरा यमलोक खाली रह जाएगा। तो यमुना जी ने कहा कि जिसे मैं यहाँ पर डोल लगाकर खींचूंगी और जो इस स्थान में बैठ के मुझे मानेगा, मुझे पूजेगा, आने को लाखों करोड़ों लोग आते हैं, हर कोई यहाँ पे बैठ नहीं पाता है, किसी के नसीब में नहीं महाराज जी। तो जो इस स्थान में बैठ के माता जी को मानेगा पूजेगा उन्हें यमत्रास्त्र से मुक्ति मिलेगी और सूर्य लोक की प्राप्ति होगी। बोलिए जमुना यहाँ धूप भी है, बर्फ भी गिर रही है। ये है यमुनोत्री की यात्रा। यहाँ पे लोगों का जोश और यहाँ पे बर्फबारी भी है,
धूप भी है और लोगों का उत्साह देखने लायक है। और ये यात्रा ओम प्रकाश वर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। बैठे हो राम गढ़ी।